स्वागत है गल्फ एडिया चैनल में। अगर आप देश दुनिया की खबरों से पल पल अपडेट रहना चाहते हैं तो अभी आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, जो कतर की पहली अपडेट आ रही है, जो कतर के मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ डिपार्टमेंट है, उसने ये फैसला लिया गया है। दोस्तों, जो अभी रमज़ान का महीना चल रहा है, सभी को दोस्तों हर देश को कोई ना कोई मदद मिल रही है, लेकिन दोस्तों कतर की तरफ से 1,14,965 लोगों को मदद किया गया है, जो कि दोस्तों अभी लगभग दोस्तों जो जेंट्स लोग हैं 5,000 लोगों को मदद दिया गया है, और इनमें से दोस्तों जो फीमेल को 5,500 लोगों को मदद दिया गया है, और जो बच्चे लोगों को 7,955 लोगों को मदद दिया गया है, और इनमें से दोस्तों 2,231 फूड दिया गया है, खाने पीने की चीज़ें, और जो कोस्ट के तौर पर, पैसे के तौर पर दिया गया है, $1,50,000 दिया गया है। दोस्तों, हर देश को मदद कर रही है, जो भी देश गरीब है, और वहाँ उस देश में दोस्तों बहुत ज़्यादा ही गरीबी है, तो हर देश कोई ना कोई मदद कर रहा है, लेकिन दोस्तों कतर चैरिटी की तरफ से भी मदद हो रही है। और इसी तरह दोस्तों, जो कतर की फिर अगली अपडेट आ रही है, कतर म्यूनिसिपल्टी एंड एनवायरनमेंट, उसने दोस्तों इंडियन ओशियन ब्लू इकोनॉमिक में पार्टिसिपेट किया है, और इनमें से जो भी मीटिंग हुई है वो दोस्तों एनवायरनमेंट के रिलेटेड से मीटिंग हुई है। फिर दोस्तों, कतर की जो अगली अपडेट आ रही है, जो कतर के म्यूनिसिपल्टीज़ हैं, उसने दोस्तों स्टार्टअप किया है कि जो अभी ईद आने वाली है, उसकी पूरी तैयारियाँ की जा रही है, और इसकी कब ईद की नमाज़ होगी, क्या कहाँ पे ईद की नमाज़ होगी, और उसकी जो सोशल डिस्टेंसिंग है कितनी रखी जाएगी, सारी तैयारियाँ की जा रही है। अभी जो कतर में दोस्तों जो ईद की नमाज़ होने वाली है, सारी तैयारियाँ की जा रही है। फिर इसी तरह जो दोस्तों कतर की फिर अगली अपडेट आ रही है, जो दोस्तों ईद उल फित्र की जो नमाज़ होगी, इसमें दोस्तों जो टाइमिंग रखा गया है वो दोस्तों रखा गया है 5:05 में सुबह को ईद की नमाज़ होगी, और दोस्तों और फिर वहाँ कतर में जो टोटल मॉस्क है दोस्तों 1,028 टोटल मॉस्क है, जो कि ग्राउंड मॉस्क हैं। और इसी तरह दोस्तों, फिर आपको सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, और जो भी सरकार वहाँ पे गाइडलाइन ला रही है उस पर आपको फॉलो करना है। फिर दोस्तों, कतर की जो अगली अपडेट आ रही है, जो कतर हेल्थ डिपार्टमेंट है, उसने ये बोला है कि जो भी लोग वैक्सीन लेंगे वहाँ पर, 1/3 को लोग को वहाँ पर वैक्सीन पड़ चुका है, मतलब दोस्तों 30 लोग में से 10 लोगों को वैक्सीन पड़ चुका है अभी तक वहाँ पे, और जो बाकी लोग जो बचे हुए हैं वो लोग को भी वैक्सीन मिलेगी। और पिछले हफ्ता दोस्तों 2,00,000 डोजेस दिया गया है, और दोस्तों जो 60 साल की उम्र वाले हैं उन्हें भी दिया गया है, और जो भी एडल्ट लोग हैं उसे भी दिया गया है। और इसकी जो भी प्रक्रिया, जो भी अरेंजमेंट है वैक्सीन देने की, सभी कुछ आपको फॉलो करना पड़ेगा, और जो लोग वैक्सीन नहीं लिए हैं आप लोग वैक्सीन ले सकते हैं। और दोस्तों, फिर इसी तरह दोस्तों कतर की अब अगली अपडेट आ रही है, जो वैक्सीनेशन सर्विस है वर्कर के लिए, उन्हें बधाई दी गई है, क्योंकि दोस्तों जो वैक्सीन लगाते हैं वो अपने बहुत रिस्क पे लगाते हैं वैक्सीन, और वहाँ के नागरिक को ही मदद करते हैं, जो कि दोस्तों वैक्सीन लगाना भी एक बहुत बड़ी बात होती है। इसलिए दोस्तों, जो कतर के जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ डिपार्टमेंट है, सभी वर्कर को बधाई दी है, सभी को और सभी को दोस्तों अच्छे से वैक्सीन लगाने की भी कामना की है। इसी तरह रोज़ आप गल्फ के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं तो अभी आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।